वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सितंबर से आगे मुफ्त भोजन राशन योजना का विस्तार करने या सरकार की वित्तीय स्थिति के परिणामों की चेतावनी देते हुए कोई बड़ी कर कटौती करने के खिलाफ तर्क दिया। सरकार ने मार्च में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया था। सरकार ने वित्त वर्ष 2013 में खाद्य सब्सिडी के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा था, जो वित्त वर्ष 2012 के लिए संशोधित 2.80 लाख करोड़ रुपए से कम है। सितंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार से सब्सिडी बिल बढ़ाकर लगभग 2.80 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। इस योजना को और 6 महीने बढ़ाने से वित्त वर्ष 2013 से 80,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं, जिससे खाद्य सब्सिडी लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सितंबर से आगे मुफ्त भोजन राशन योजना का विस्तार करने या सरकार की वित्तीय स्थिति के परिणामों की चेतावनी देते हुए कोई बड़ी कर कटौती करने के खिलाफ तर्क दिया। सरकार ने मार्च में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया था। सरकार ने वित्त वर्ष 2013 में खाद्य सब्सिडी के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा था, जो वित्त वर्ष 2012 के लिए संशोधित 2.80 लाख करोड़ रुपए से कम है। सितंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार से सब्सिडी बिल बढ़ाकर लगभग 2.80 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। इस योजना को और 6 महीने बढ़ाने से वित्त वर्ष 2013 से 80,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं, जिससे खाद्य सब्सिडी लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सितंबर से आगे मुफ्त भोजन राशन योजना का विस्तार करने या सरकार की वित्तीय स्थिति के परिणामों की चेतावनी देते हुए कोई बड़ी कर कटौती करने के खिलाफ तर्क दिया। सरकार ने मार्च में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया था। सरकार ने वित्त वर्ष 2013 में खाद्य सब्सिडी के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा था, जो वित्त वर्ष 2012 के लिए संशोधित 2.80 लाख करोड़ रुपए से कम है। सितंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार से सब्सिडी बिल बढ़ाकर लगभग 2.80 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। इस योजना को और 6 महीने बढ़ाने से वित्त वर्ष 2013 से 80,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं, जिससे खाद्य सब्सिडी लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल।